चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए, इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जी हां, सांसद राघव चड्ढा का ये दर्द या यूं कहें कि पूरी कवायद को लेकर के आया बयान इस बात का सूचक है कि किस तरह से चंडीगढ़ में इतने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी किस तरह से धांधली के उस चुनाव में आरोप लग रहे हैं। ये आरोप सीधे तौर पर पीठासीन अधिकारी पर लग रहे हैं और उनके ऊपर ये भी आरोप है कि उन्होंने इस पूरे चुनाव के दौरान यानी आज जो वोटिंग हुई, गिनती हुई, उसमें एक तरफा कार्रवाई की और एक पक्ष का साथ दिया। जी हाँ, गहमा गहमी के बीच चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी जीत भले गई है, लेकिन जीत के साथ ही सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल बीजेपी संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बहुत पीछे थी, क्योंकि 20 पार्षदों वाला गठबंधन 16 पार्षदों वाली पार्टी के सामने हार गया। इसको लेकर के खूब सवाल उठ रहे हैं, यहां तक कि सोशल मीडिया और एक्स पर तो अखिलेश यादव, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट तक को खींच लिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट भी जा सकती है। दरअसल 16 वोट के साथ मनोज सोनकर चुनावी बाजी जो कि बीजेपी के हैं वो जीत गए हैं और चंडीगढ़ शहर के अगले मेयर निर्वाचित हो गए हैं। आनंद फानंद में हुए इस चुनाव के दौरान खूब धांधली के आरोप लग रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा शुरू किया। बाद में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवारों की वोटों के गणित जब उनके पक्ष में था, फिर भी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि 8 वोट उनके निरस्त कर दिए गए या यूं कहें इनवैलिड घोषित कर दिए गए। दरअसल चंडीगढ़ नगर निगम में 35 पार्षद हैं, एक सांसद का वोट जुड़ता है जो कि किरण खेर हैं। कुल मिलाकर के 36 वोट वाले मेयर चुनाव में जीत 19 वोट के आंकड़े तक में ही हो जाती थी, लेकिन बीजेपी के पास उसके अपने पार्षद और सांसद का संख्या बल मिलाकर के सिर्फ 15 पहुंच रहा था। इसके अलावा उनके एक सहयोगी शिरोमणि अकाली दल का एकमात्र जो पार्षद था उसका भी अगर वोट जोड़ लें तो कुल मिलाकर के 16 हो जाते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 13, कांग्रेस के 7 वोट मिलाकर के 20 की संख्या पहुंच जाती है। दोनों दलों ने जब हाथ मिला लिया तो साझा उम्मीदवार उतारा। मेयर चुनाव में गठबंधन की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसमें मेयर का चुनाव लड़ रही थी जबकि डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। गठबंधन की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी जीत गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा राघव चड्ढा ने, सुनिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए, इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे, उनको 16 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित करके हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया गया। साथियों, जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है तो उस वोट को दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी अब हमलावर है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में उन्होंने लिखा कि दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में ये तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये बेहद चिंताजनक है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव ने भी इस चुनाव को लेकर के फिर से निशाना साधा है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक से इस पूरे घटनाक्रम और इस चुनाव को लेकर के संज्ञान लेने तक की बात कही। वहीं आम आदमी पार्टी इसको लेकर के हाई कोर्ट फिर से पहुंच गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।